नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका दोस्त। आज हम मिंस्क में घूम रहे हैं और आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत शाम दिखाते हैं। मिंस्क के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ये तीसरा एक प्रोग्राम है इन दो महीनों के अंदर जो हुआ है। इस समय मिंस्क पूरी तरीके से बदल चुका है। इससे पहले हमने मिंस्क को सिर्फ बर्फ़ के अंदर ढका हुआ देखा था, अब बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है। यहाँ पे लोग पूरी तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। इस समय हमने ये वीडियो जो है गैलेरिया मॉल के बाहर से शूट कर रहे हैं। ठीक उसके सामने ये लेक के पास ये प्रोग्राम हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मीन्स में दोस्तों अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस तरीके के प्रोग्राम टाइम टू टाइम यहाँ होते रहते हैं। защитником Брестской крепости и всем нашим бойцам, воинам, которые побеждали и победили. Погранзастава! Зеленые погоны и звезды на плечах, парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погранвойсках. У нас в руках спокойствие державы. Над Каспой летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи. Нас Родина на прочность проверяет. Погранзастава, погранзастава. Кому звезда, кому поклон, кому-то слава. जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मेलों के अंदर चाट पकौड़ी के स्टॉल लगाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। ये सब इनका ट्रेडिशनल फूड है यहाँ पे। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे गांव के अंदर हमारे कल्चर को प्रमोट किया जाता है, लोग अपने हाथों से बनाया हुआ सामान दिखाते हैं, बेचते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी एक हाथों से बनाया हुआ सामान है जो व्यक्ति बेच रहा है। आप देख सकते हैं लकड़ी का काम। ये एक लेडी है जो अपने हाथों से सामान बना रही है। И засияла небо голубое, полная чаша мира до покоя, а то, пожалуй, я к нам с войною. Дайте котятки на круглый бить, мой штабы засадил убраться, не пора ли нам раскаляться, пусть молодая сила не видна. Дайте котятки на круглый бить, братья, пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть богатым, дайте коням и на добрый меч. Спасибо. Спасибо. Казали, как прадеды в русскую землю простали, как строили крепко и княжили мудро, как зла уходила и за красу.